कांग्रेस के नेताओं को अब अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ममता बनर्जी की तरफदारी करते हुए ट्वीट किया और एंटी बीजेपी मोर्चा की बात करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगे कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रॉल करने लगे। कुछ ने बंगाल हिंसा की तस्वीरें शेयर की तो कुछ ने इसमें सिंघवी की सियासी चाल पकड़ी। असल में अभिषेक मनु सिंघवी बंगाल से ही राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा की सीट उन्होंने ममता बनर्जी की मदद से ही जीती थी। सिंघवी की सदस्यता खत्म होने में 2 साल का ही वक्त है और कांग्रेस की हालत अब ऐसी नहीं है कि वो सिंघवी को फिर से राज्यसभा में भेज सके। माना जा रहा है कि सिंघवी इस ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी को खुश करना चाहते हैं ताकि उनकी सीट पक्की हो सके। इसके लिए भले ही उन्हें पार्टी बदलनी पड़े। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता समय की मांग है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी महत्वपूर्ण पिलर हैं। पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सिंघवी ने आगे लिखा कि गैर भाजपा विपक्ष समय की मांग है, ममता इसकी पिलर हैं। 2024 के लिए राज्यवार हर घटक को समन्वय के साथ एकजुट करना होगा ताकि मतों के विभाजन को रोका जा सके। भाजपा की सर्वश्रेष्ठ जीत भी डाले हुए कुल मतों के 39% से आगे नहीं गई। उन्होंने यह भी कहा कि ममता और दूसरे सभी लोगों को भाजपा विरोधी लोगों को एकजुट करने के लिए संयम के साथ पूरा जोर लगाना होगा। मतलब साफ है कि सिंघवी को लगता नहीं है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ कर पाएगी। यही वजह है कि सिंघवी 2024 में मोदी को हराने का ख्वाब भी ममता के सहारे देख रहे हैं, जिसने हाल ही में कई राज्यों में कांग्रेसियों को अपनी पार्टी में शामिल किया था। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।